सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। ये मारुति अल्टो, ये देखिए, ये आरपीएम ऑटोमेटिक कम बढ़ती कर रही है अपने आप। ये देखिए ना ही गाड़ी में मिसिंग है, ये आरपीएम कम बढ़ती हो रही है अपना आप। देखिए ये सीएनजी पे है, ये पेट्रोल पे भी ऐसी कर रही है। अब ये देखिए इसका, ये इसका आईसी वाल है, इसका कपलर निकाल के हम चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से आईसी वाल काम कर रहा है या नहीं। ये देखिए इसका आईसी वाल प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। देखिए अब हम इसकी थोटर बॉडी क्लीन करेंगे। इसका आईसी वाल में अंदर एक बैरिंग होता है, उसको क्लीन करेंगे जब देखना आरपीएम सेट होते या नहीं। थोटर बॉडी खोलने के लिए हम क्या क्या खोलेंगे, एक 10 नंबर का बोल्ट एयर फिल्टर का, ये एक 10 नंबर का बोल्ट, ये नहीं खोलेंगे तो यहाँ से ही हटा लीजिएगा। और एक पेच ये है, ये कपलर निकलेगा, ये प्लास से क्लेम फटेगा और एयर फिल्टर बाहर आ जाएगा। फिर इसकी एक्सीलेटर वायर खोलेंगे 12 नंबर का, ये नट लूज करके जब खोलेंगे, फिर इसके सेंसर के तार हटाएंगे, इसके टीपी सेंसर, आईसी वाल सेंसर, ये कपलर हटाएंगे, फिर इसके 10 नंबर के बोल्ट ये खोलेंगे। 4 बोल्ट है, 2 ये है, 2 नीचे है। थोटर बॉडी खोलने से पहले एक बैटरी का एक क्लेम फटा लेना है। 12 नंबर का ये नट लूज करके इसको खोल के इसकी वायर निकाल लेनी है। ये इसका मिक्सचर है, इसके तीनों बोल्टों को लूज करके 8 नंबर के, ये तीनों बोल्टों को लूज करके हमने निकाल दिया, मिक्सचर है ये। फिर इसके कपलर हटाएंगे, ये कपलर हमने हटा दिया। अब इसके ये वाला पाइप निकालेंगे, वैक्यूम पाइप है ये देखिए, ये देखिए पाइप हमने हटा दिया। अब इसके 4 बोल्ट खोलेंगे हम, 10 नंबर के 4 बोल्ट थोटर बॉडी के। ये देखिए एक बोल्ट है इसका, एक बोल्ट ये है, एक ये है नीचे, एक ये है, 4 बोल्ट है इसके थोटर बॉडी के। ये देखे बोल्ट हमने खोल लिए, ये देखे ये हमने हटा दी। ये इसकी जो पैकिंग है ये हम चेंज करेंगे, ये फट गई इसलिए ये चेंज करेंगे हम, ये पैकिंग। ये देखे इसमें कितना डस्ट भरा हुआ है, ये देखे ये कितना डस्ट इसमें भर रहा है थोटर बॉडी में। अब हम इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। सबसे पहले इसके ये स्टार वाले 2 पेंच खोलेंगे, फिर उसके बाद इसके ये 4 पेंच खोलेंगे पेचकस से, फिर इसको क्लीन करेंगे। इसका हम आईसी वाल का बैरिंग दिखाएंगे, देखिए कैसा है। ये देखिए ये स्टार वाले पेंच है, इनको हम अच्छे से खोलेंगे। ये देखिए हमने दोनों पेच इसके खोल लिया, अब इसको हम हटाएंगे। ये देखना ये इसका बैरिंग है, ये जाम हो रहा है, ये आईसी वाल का बैरिंग है, ये जाम हो रहा है। जब तक ये फ्री नहीं होगा जब तक एक्सीलेटर आरपीएम सही तरीके से प्रॉपर तरीके से अपनी जगह पर नहीं सेट हो पाएंगे। अब इसको हम अच्छे से क्लीन करेंगे पेट्रोल से, पहले इसके 4 पेच को खोलेंगे। ये देखिए इसमें कितना डस्ट भरा हुआ है, ये देखिए ये आप चेक कर सकते हो खुद, ये देखिए ये कितना डस्ट भरा हुआ है। अब इसको हम क्लीन करेंगे, इस बैरिंग को फ्री करेंगे बिल्कुल, ये टाइट हो रहा है बिल्कुल, ये चल नहीं पा रहा। अब देखिए क्लीन कैसे करते हैं, इसको पेट्रोल की सहायता से हम इसको क्लीन करेंगे। ये देखिए कितना डस्ट निकल रहा है इसमें से, बैरिंग में से, आईसी वाल के बैरिंग में से। ये देखिए ये प्रॉपर तरीके से फ्री होना चाहिए बैरिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से, और इसको पेट्रोल की हेल्प से तो क्लीन करेंगे, लेकिन
उसके बाद इसमें हल्का सा ब्रेक ऑयल डाल के क्लीन करेंगे। ये देखिए कितना डस्ट निकल रहा है, ये डस्ट है इसका आईसी वाल्व का। ये देखिए बिल्कुल क्लीन कर दिया हमने। ये देखिए इसमें हल्का सा हम लुब्रिकेंट सुपर डालेंगे, हल्का सा ज्यादा नहीं, जिससे कि अब इसको फिट करेंगे। ये देखिए अब हम इसकी इसका आईसी वाल लगाएंगे, इसकी दो रबड़ की गैस्केट है उसको चेंज करेंगे नई। ये देखिए ये पैकिंग है, ये नई डालेंगे इसमें। ये देखना इसको अच्छे तरीके से, ये नई डालनी है इसमें। ये देखिए हमने इसकी गैस्केट नई डाल दी है। अब इसके इसको अच्छे से फिट करेंगे, इसके चारों पीस लगाएंगे, ये इसके चारों पीस लगाएंगे हम, और इनको अच्छे तरीके से कसना है पेचों को, जिससे कि एयर ना ले। ये देखिए ये चारों पीस हमने अच्छे से टाइट करने हैं, इनको हमने अच्छे से टाइट कर दिया है। ये देखिए इसका रिंग लगाएंगे और इसका आईसी वाल सेंसर लगाएंगे हम इसका। ये देखिए, और इसको मैं बताऊंगा कि कहाँ पे फिट करनी है इसको, ये पेच कहाँ पे सेंटर में लाने हैं। ये देखिए इसके पेच बिल्कुल प्रॉपर से दोनों पेच बीच में लगाने हैं, सेंसर को बिल्कुल बीच में करके जब लगाने हैं। ये मैंने लगा दिया, इसको हम इनको हम कसेंगे पेंच को। ये देखिए ये इसकी नई पैकिंग है, अब इसको हम लगाएंगे हल्का सा ग्रीस लगा के। इसके छोटर बॉडी के चारों बोल्टों को अच्छे से टाइट करेंगे, फिर उसके बाद इसकी असेंबल फिट करेंगे। ये इसकी एक्सीलेटर वायर, इसके सेंसर के कपलर और इसका मिक्सर सब फिट करेंगे, फिर उसके बाद आरपीएम चेक करेंगे स्टार्ट करके। ये देखिए चारों बोल्ट हमने अच्छे से टाइट कर दिया है। ये देखिए हमने थ्रोटल बॉडी लगा दिया, अब हम इसका एयर फिल्टर लगा के गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, जब चेक करेंगे आरपीएम सेट है या नहीं है। ये देखिए इसका एयर असेंबली हमने लगा दिया है, अब इसका बैटरी क्लैंप लगाएंगे जो हमने हटाया था। ये देखिए अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, उस पर आरपीएम चेक करेंगे। करो स्टार्ट। ये देखिए ये इसके आरपीएम है, अब एक्स्ट्रा हो रहा है क्योंकि प्रॉपर तरीके से आईसी वाल ने इसके काम कर दिया है, वो प्रॉपर तरीके से घूम रहा है। अब हम इसकी थोड़े आरपीएम कम करेंगे, ज़्यादा हो रहे हैं। अब देखिए ये देखिए इसके आरपीएम हम सेट कैसे करेंगे। ये देखिए ये 8 नंबर का अच्छे तरीके से दिखा दूँ, इसका 8 नंबर का ये वाला नट लूज करेंगे। नट लूज करने के बाद इसको ढीला करेंगे। ये देखिए इसके आरपीएम, इसके आरपीएम 600 से लेकर 800 तक होने चाहिए। ये देखिए अब इसको हम कस देंगे, इस नट को कसेंगे हम। आरपीएम सेट हो गए इसके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट है, इसके आरपीएम हमने सेट कर दिया है, ये गाड़ी एकदम स्टार्ट है। ये देखिए
इसका आरपीएम, इसके आरपीएम बिल्कुल सेट है